हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। जब कभी भी आपके घर में कोई बाहर का ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसकी एंट्री आपके लिए सही नहीं है, तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि उसको किसी भी तरीके से भगाया जाए। मेहमान मूवी में कई बार आपने देखा है इस तरह की चीजें होती रहती हैं। आई एम सॉरी दिस इज एग्जाम्पल, लेकिन यही एग्जाम्पल आपको कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। यहाँ पे आप अपने घर की जगह आप अपना बॉडी ले लें, मेहमान की जगह पैरोजन या फिर कोई बाहर से आने वाले बैक्टीरिया वायरस इनको ले लें, तो जब कभी भी बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक सब्सटेंस आपके घर यानी कि आपके शरीर में आते हैं, तो वो आपके बॉडी के सिस्टम को बिगाड़ के रख देते हैं, वो आपको इंफेक्टेड परेशान करके रख देते हैं। ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए, हमको उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उनकी उस एक्टिविटी को इनहिबिट करनी चाहिए जिससे वो आपको प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। यानी कि सीधा सीधा बोलूं, उस इंफेक्शियस एजेंट के आ जाने से आपकी बॉडी में हुए इंफेक्शन को कम करने के लिए हमको एंटी इंफेक्टिव ड्रग यानी कि एंटीबायोटिक्स का यूज करना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही एंटीबायोटिक्स के बारे में जिसका जो ब्रांड नेम है वह है नोवामॉक्स 625 mg, यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन है ड्रग का वो 625 mg है। तो चलिए, ये तो इसका ब्रांड नेम हो गया नोवामॉक्स सीवी। अब हम बात करते हैं इसके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उनके इंडिविजुअल काम करने के तरीके क्या क्या होते हैं। इस ड्रग में दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है, एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लैबुलेट टैबलेट इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। अगर आप इनका कंसंट्रेशन देखेंगे, चूंकि यहां पर 650 स्पेसिफाइड है इसलिए इसको बताना भी जरूरी है, तो इसमें देखिए ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन एमोक्सिसिलिन which is equivalent to amoxicillin 500 mg. तो amoxicillin जो पहला constituent है, इसका concentration हो गया 500 mg. जबकि दूसरा है हमारा clavonic acid equivalent जो कि है आपके clavulanate tablet के accordingly, इसका जो concentration है वह 125 mg. तो 500 mg plus 125 mg is equal to हो गया 625 mg. तो दोनों drug अलग-अलग तरह से काम करते हैं, लेकिन एक ही मकसद को पूरा करने में आपका सहायता करते हैं। पहला drug है amoxicillin which is an example of penicillin category antibiotic. ये काम कैसे करता है, जैसा मैंने कहा कि आपकी बॉडी में कोई बाहर से आने वाले बैक्टीरिया आ गए हैं जो कि आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे। यह दवाइयां केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है, वायरल इन्फेक्शन के लिए काम नहीं करेगा। तो बैक्टीरिया की वजह से होने वाले ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, इस तरह के इन्फेक्शन में यह काम आता है। तो जब कभी भी ये पैरोजन, ये कभी भी जो बैक्टीरिया कॉज करने वाले एजेंट है वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो एक्सपांड करने लगते हैं, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन होता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, 16, 32, 64, इस तरीके से ये मल्टीप्लीकेशन करते रहते हैं और हमारी बॉडी में ग्रो करते रहते हैं और हमारा प्रॉब्लम, हमारा इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। मुख्य उद्देश्य हमारा ये होता है कि इनको रोका जाए, इनको खत्म किया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाए, जो जो चीजें बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट कर रही हैं या बैक्टीरिया को इटसेल्फ सपोर्ट कर रही हैं, हमको उन्हें रोकना चाहिए। इनमें से आज का जो हमारा ड्रग है एमोक्सिसिलिन, ये उनके सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। सेल वॉल कहने का मतलब होता है सेल की दीवार, तो सेल की दीवार यानी कि वॉल वो उसको बचा कर रखती है। जिस कमरे में बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हैं उस कमरे में दीवार, छत और जमीन तो होगी होगी। अगर मैं ये कहूं कि धूप पानी बरसात से आपको ये बचा के रखता है और अगर यही चीज हट जाए तो आपको कौन बचा के रखेगा। जैसे आपको आपके घर का वॉल बचा के रखता है, वैसे ही किसी भी सेल को सेल वॉल बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में बचा के रखता है। तो उससे बैक्टीरिया का बेनिफिट है, बैक्टीरिया सर्वाइव होता है, इससे आपका नुकसान है। बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा और आपका इंफेक्शन बढ़ेगा, तो हमको उसको सरवाइव करने नहीं देना है, इसके लिए हमको उसको सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना है। तो हम भाई एक एमोक्सिसिलिन नाम का एक बुलडोजर मंगा लेते हैं, उसके सेल के वॉल को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेल का वॉल जब टूट जाएगा तो सेल के वॉल के टूटने की वजह से अंदर के जो एजेंट बचे हुए हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी, जैसे हम अगर एजेंट हैं बात करें तो, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस तरीके से वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेल किसका है, बैक्टीरिया का सेल है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपका इंफेक्शन कम हो जाएगा। ये आपके एमोक्सिसिलिन के काम करने का तरीका है। दूसरा, क्लैबुलेनिक एसिड जो कि अलग फॉर्म में लिया गया, यहां पे क्लैबुलेट के रूप में लिया गया, वो क्या काम करता है। ये एक ऐसा ड्रग है जो पेनिसिलिन या इस एमोक्सिसिलिन के रेजिस्टेंस को डेवलप करने वाले एक स्पेसिफिक एंजाइम को इनहिबिट करके आपकी मदद करता है। यहां पे एक एंजाइम जाना जरूरी है, वो है आपका लैक्टमेज, बीटा लैक्टमेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो बीटा लैक्टम लिंक को डिस्ट्रॉय करता है, लाइसिस करने का काम करता है, जो कि हमारे बैक्टीरिया के लिए सही है, लेकिन हमको उसको बचाना नहीं है, हमको उसको खत्म करना है। इसलिए ये जो हमारे ड्रग क्लैबोनिक एसिड, इसे बीटा लैक्टमेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है ताकि बैक्टीरिया अपने आप को बचा नहीं पाए, अपने आप को रेजिस्टेंस नहीं कर पाए। तो ये इसके काम करने के तरीके होते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक जिसको आप खत्म करना चाहते हो वो तो खत्म करो, लेकिन कोई और भी है वो
जिसको आप खत्म करना चाहते हो उसको वो सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप दो चीजों को खत्म करो, जिसको खत्म करना है उसको भी और जो उसको सपोर्ट कर रहा है उसको भी। तो यहां पे हमारा एमोक्सिसिलिन उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को खत्म करके बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, जबकि हमारा क्लेवोनिक एसिड उसको जो कि उसके रिंग को ब्रेक करके हमारे ड्रग की एक्टिविटी को खत्म करना चाहता है, खराब करना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है, उसको इनहिबिट करता है ताकि हमारी ड्रग की एक्टिविटी अच्छे से काम करे। तो इस तरीके से हम बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं। इनका डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना है तो आप विजिट कर सकते हैं सॉल्यूशन फार्मेसी का चैनल, उस पर डिटेल से आपको सब एंटीबायोटिक्स के काम करने के तरीके, उनका एक्सप्लेनेशन, बेसिक एनिमेशन सब कुछ मिल जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।